लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने 7.3 के जो टॉपिक्स थे उन सबको समझ लिया था। इंशाल्लाह इस क्लास में हमने 7.3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टॉपिक्स चल रहे हैं ये मैं पुरानी बुक का एडिट करके लगा रहा हूँ सर, तो 7.8.4 8.5 को कंबाइन करके 7.3 उन्होंने बनाया है, तो कुछ क्वेश्चन निकाले भी हैं तो आपके लिए काफी आसानी है। तो अब होगा ये कि जब आप इन क्वेश्चंस को देख रहे ना, क्वेश्चंस आपको वही नजर आएंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है, दूसरे में लिखा हुआ फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है, तो यही क्वेश्चंस आपको वहां पे नजर आ रहे होंगे जब मैं एडिट करके लगाऊंगा। फर्क ये है कि वहां पे जो क्वेश्चन मैंने पिक किया होगा ना बोर्ड पे, वो इससे डिफरेंट होगा, वो शायद आपको बुक में नजर ना आए क्योंकि पुरानी बुक में क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन करना वही काम है। तो आप इन सवालों के ऊपर वही काम अप्लाई करोगे। अगर मसला हो रहा है तो मैंने पहले भी बताया था, एक गाइड परचेज करो, उसको हेल्प के लिए यूज कर सकते हो आप लोग, कुछ सॉल्व कर लो पूरा, उससे हेल्प लेना थोड़ी। लेकिन फिर भी कुछ पार्ट आपको थोड़े डिफरेंट लग सकते हैं एज कम्पेयर टू जो मैं बोर्ड पे करवाऊँ, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ थोड़ा बहुत कि इस पे क्या मॉडिफिकेशन कर रही है। तो जब आप टॉपिक्स कर रहे होगे ना, तो उस वो करने के साथ इस वाले पार्ट को देख लेना वीडियो के कि मैं क्या बता रहा था। जैसे 7.3 में पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8-16x का क्यूब रूट, जिसको आप इस तरह लिख सकते हो 8-16x की पावर 1/3। मैंने थ्योरी में बताया था कि आप लोगों ने 1 करना होता है, 1 कैसे करोगे, आप 8 कॉमन ले लोगे, जब 8 कॉमन लोगे 1-16/8x हो जाएगा, होल पावर 1/3। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, सवाल बनेगा 1-2x की पावर 1/3। अब 2 को आपने साइड पे रखना है, इस पे आपने फॉर्मुला अप्लाई कर देना जो बाइनोमियल सीरीज में आपने पढ़ा था। इस टाइप के सवाल आपको जब मैं एडिट करके लगाऊंगा आपको नजर भी आ जाएंगे और आप आसानी से एक्सपेंड कर लोगे इसको। एंड पे आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और एक्सपेंड करना है 4 टर्म तक, क्योंकि आपके पास इनफिनिट टर्म्स आ रही होंगी, आपने इसको 4 टर्म तक शुरू किया एक्सपेंड करना होगा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 जो है लिखा हुआ है 3/3x, इसको आप इस तरह करो, 3 को रखो साइड पे, जो 3+x है ना ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगेन इसको 1 कैसे करोगे, आप यहां से 3 कॉमन ले लोगे, ये सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। ये 3 जो है 3 की पावर -1 का मतलब क्या है, 3 की पावर -1 को बाहर लिख दो आप, पीछे क्या बचेगा 1+x/3 की पावर -1। 3 और 3 की पावर -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 की पावर -1 का मतलब कि 3 को नीचे ले जाओ, तो 3/3 1 होता है, तो पीछे ये बच जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान तरीका है वो आप लोगों को आई होप पता चल गया होगा। पार्ट नंबर 3 तो ऑलरेडी आसान है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है उसके अंदर। पार्ट नंबर 4 में अगर आप देखो तो लिखा हुआ है √1+2x, जिसको आप लिख सकते हो 1+2x की पावर 1/2, और नीचे लिखा हुआ है 1-x, इस 1-x को आप ऊपर ले जाओ तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आपने 4 टर्म तक एक्सपेंड करना है, तो आप इन दोनों पे अलग अलग फॉर्मूला लगाना बड़ा इजी है, आसानी से आप लगा सकते हो। इसको भी 4 टर्म तक एक्सपेंड कर दोगे, इसको भी 4 टर्म तक एक्सपेंड कर दोगे, तो सिचुएशन कुछ इस टाइप की बन रही होगी। पहली टर्म को मैं A1 कह देता हूं, जब इसको एक्सपेंड करोगे ना तो 4 टर्म आ रही होंगी ना, A1 A2 A3 A4, उसके बाद आप डॉट 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 लगा दोगे। इसी तरह जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें भी दरमियान में पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दरमियान में पॉजिटिव भी आ रहा होगा सब में। फॉर एग्जाम्पल इसको B1 B2 B3 B4 कर देंगे, तो 4-4 टर्म आप दोनों के निकाल दोगे। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, मल्टीप्लाई करना आपको पता है। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन थोड़ी मुश्किल होगी, तो आप लोग इस अंदाज में मल्टीप्लीकेशन करना कि ये इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि आप इस तरह लिखना, मल्टीप्लाई नहीं करना, आप अभी A1 लिखना और A1 को मल्टीप्लाई करोगे इन चारों चीजों से, इस तरह लिखना, ठीक है, इस तरह आप लिख दोगे। फिर क्या करना, लिखना A2 को मल्टीप्लाई करना इन सब टर्म से, इसी तरह B1 B2 B3 B4 इसी तरह एक्सपेंड करोगे, इसी तरह A3 को मल्टीप्लाई करना, इसी तरह A4 करना, ये आपका स्टेप जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप इन चारों से मल्टीप्लाई करना, डॉट 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 लगा देना, तो ये एक ब्रैकेट बन जाएगी। फिर इस A2 को मल्टीप्लाई करना, ये दूसरी ब्रैकेट बन जाएगी, एंड पे डॉट 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 लगा देना। उसके बाद क्या होगा, आपके पास 4 ब्रैकेट यहाँ पे आ रहे होंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको आप एड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक्स की टर्म आ रही है, यहाँ पे एक्स की टर्म आ रही है, इधर भी कहीं एक्स की टर्म आ रही होगी, उनको आपस में एड कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। जो लाइक टर्म्स हैं उनको आपस में आप ऐड कर दोगे और एंड पे आप डॉट 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 लगा देना, क्योंकि इनफिनिट है, खत्म तो नहीं हो रही ना, ये नहीं शुरू के 4 टर्म लिखने के बाद आप डॉट 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 लगाना भूल जाओ, तो इसका मतलब आपने इसको फाइनाइट कर दिया। तो एंड पे सब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके एंड पे आप डॉट 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 लगा दोगे, आपके पास फर्दर आंसर आ जाएगा। तो पूरे मैंने स्टेप्स आप लोगों को बता दिए किस तरह करना है। रही बात क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजी है, तो जब मैं वो वीडियो में सॉल्व करवा रहा हूँ वो ये वाला पार्ट तो शायद कोई सॉल्व ना करवाऊं मैं, लेकिन जो भी करवा रहा हूँ वो इसी टाइप का होगा, बड़ा इजी पार्ट होगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। उसके बाद टॉपिक है कि
ये आई गेस पुरानी बुक में हाँ आप लोगों को जो मैं सॉल्व करवाऊंगा ना वो थोड़ा मुश्किल वाला सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि जब ये टॉपिक आप लोगों की एग्जांपल में आता है ना, अगर आप बुक की एग्जांपल देखो पेज नंबर 232 पे, तो एग्जांपल नंबर 2 जो है वो अगर आप देखो थोड़ी मुश्किल है, एक बहुत मुश्किल फंक्शन है जिसको उन्होंने बोला है कि ये टॉपिक आपको पता होगा कि आपको पता है जब एक्स अगर स्मॉल हो तो जब आप उसको बाइनोमियल सीरीज को एक्सपेंड कर रहे होगे तो वो यूजलेस होगा, क्योंकि टर्म्स इतनी छोटी होती जाएंगी आप उसको निग्लेक्ट कर सकते हो। इसमें एक होती है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब कि बायनॉमियल सीरीज की शुरू की दो टर्म ही आपने कंसीडर करनी है, और एक होती है सेकंड अप्रोक्सीमेशन कि बायनॉमियल की आपने जो तीन टर्म है उस तक आपने उसको लिखना है। तो नॉर्मली आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन कर रहे होते हो, सॉरी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ज्यादातर कर रहे होते हो, सवाल में अगर आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन बोल दिया तो उन्होंने तीन टर्म तक आपको करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तक करते हो, दो टर्म तक आप कर रहे होते हो, बाकी वो सवाल में आपको बता देंगे। जो है जो बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन मौजूद है, अगर आप देखो सोल्यूशन उन्होंने बड़ा खूबसूरत अंदाज से लिखा हुआ है, डिटेल में सोल्व किया हुआ पूरा। तो यही जब सवाल बुक में आता है ना तो बुक में बड़ा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखो 7.3 के, बहुत ही इजी फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड पे पार्ट 1 में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 4। जब आप इस पे बायनोमियल सीरीज का लगाओगे शुरू की दो टर्म वही आ रही होंगे जो राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, तो तीन चार स्टेप के अंदर प्रूव हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 भी बहुत ईजी है। तो मैं जो सॉल्व करवा रहा हूंगा ना वो बुक की एग्जाम्पल के लेवल का होगा, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूंगा। सेम सवाल ये होगा कि एक्स स्मॉल है तो हायर पावर को निग्लेक्ट कर दो, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं, तो मैं मुश्किल सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ, ये इजी सवाल तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे, इतना इंशाल्लाह आप लोगों को मसला नहीं होगा। उसके बाद आपको मिलेगा यूजिंग बायनोमियल सीरीज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक फाइनल आपका आंसर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है आप लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन में देख लोगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे हैं जो मैंने वहां पे नहीं बताया होगा तभी मैं बता रहा हूं, कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये नॉर्मली आपका स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है, तो याद रखना आप जब इस सवालों को सॉल्व करते हो ना तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप जब ब्रेक करो तो इस तरह ब्रेक करो कि करीब तरीन वैल्यू पे आपको पता हो आंसर। जैसे 24 लिखा हुआ है तो 24 को आप ब्रेक करोगे 25 माइनस 1 में, 24 को 20 प्लस 4 में ब्रेक करने की सेंस नहीं बनेगी, उसकी स्टेप्स तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, सेंस नहीं बनेगी। सेंस बनने का मतलब कि असल फायदा यह है कि 25 जब आप यहां पर कॉमन लोगे तो 25 का रूट आपको पता है। अब 20 का रूट आप बोलोगे सर हमें पता है हम कैलकुलेटर से निकालने के, लेकिन ये सवाल इस चीज के लिए नहीं बना हुआ, ये सवाल बना है कि कैलकुलेटर के बगैर आप सॉल्व करो, बायनोमियल का सवाल कैलकुलेटर के बगैर आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल मैथ से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको कोई, क्योंकि जो रूट का पूरा कॉन्सेप्ट है ये कैलकुलेटर भी अप्रोक्सीमेशन पे वर्क कर रहा है ना, तो आप बोलोगे मैं रूट 20 कैलकुलेटर से निकाल सकता हूं, लेकिन वो सेंस नहीं बनती। तभी मैंने कहा था अबे बहुत डिटेल्ड वाला टॉपिक है सेकंड ईयर में, तो उसको मैं समझाता भी हूं डिटेल में, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं कि रूट 20 बेशक कैलकुलेटर से निकाल लो, राउंड ऑफ करोगे उसको, सेंस नहीं बन रही होगी सवाल की। तो आपने ब्रेक वो करना है जिसपे आपको पता है, आपको 25 पे रूट पता है 5 होता है, तो आप 24 को ब्रेक करोगे 25 माइनस 1 में, फिर आप क्या करोगे आप यहां से 25 कॉमन लोगे, इसकी जगह तो आप लिख सकते हो ना 1/2, 25 कॉमन लोगे, 25 को बाहर निकालना, ये सॉल्यूशन बन रही होगी। आपकी कोशिश क्या होती है 1 लाना, तो 25 कॉमन लोगे तो 1 आ जाएगा। अब बच्चों एक सवाल होता है सर 1 तो ऑलरेडी मौजूद है, इसका जवाब मैंने वीडियो में दिया होगा देख लेना। तो ये करने के बाद अब आप इस पे बायनोमियल सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे, ये तो सिंपल आंसर इसका 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है वो जब आप लोग एडिट में वो वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है इसको। जो 28 है इसका क्यूब रूट है, तो 28 के करीब करीब कोई क्यूब रूट है 27, किसका क्यूब रूट होता है 3 का, 3 का क्यूब 27, तो 27 का क्यूब रूट 3 होता है। तो 28 को आप ब्रेक करोगे 27 प्लस 1 में, ठीक है, और इसके ऊपर पावर है कि 1/3, वही 27 आप कॉमन लोगे जो टेक्निक आपने पढ़ी है, ये सिचुएशन बन रही होगी। अब बायनोमियल सीरीज का फॉर्मूला लगा देना, पहली चीज तो 3 हो जाएगी, फिर लिखा हुआ 241 और इसकी पावर क्यूब फिफ्थ रूट आप इसको बोलते हो। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो 241 के करीब उसकी पावर 5 है, 3 के जब आप पावर 5 करते हो तो 243 आता है, तो 241 को आप ब्रेक करोगे 243 माइनस 2 में इस तरीके से, और इसकी पावर है 1/5, वही 243 आप कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 1 माइनस 2/243, और इस पे आप बायनोमियल लगा दोगे और 243 की पावर 1/5 तो सिंपल 3 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ 1280 की पावर 4, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करो 216 को 6 से करोगे, हाँ ये 6 की पावर 6 की पावर 4 होगी, हाँ तो ये 1280 जो है ना इसके करीब 6 की पावर 4 क्या होती है, निकाल के आप लोग देख लो,
सिक्स की पावर फोर, तो ये हो जाएगा 1296। तो 1280 को आपने ब्रेक करना है 1296 माइनस 16 के अंदर, तो ये 1280 को आपने ब्रेक कर लिया, इसकी पावर है 1/4। अगेन आप क्या करोगे, 1296 कॉमन ले लोगे, ठीक है, अंदर बचेगा 16/1296, इसका तो पता है ये पूरी चीज 6 के बराबर हो जाएगी, तो फर्दर आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। और आखिरी है पार्ट नंबर 5, उसमें नीचे लिखा हुआ है ऊपर ले जाना। अगेन फिफ्थ रूट है 252 करीब है, तो 3 की बात की जा रही है 3, क्योंकि बाकी किसी नंबर का फिफ्थ रूट तो बहुत दूर दूर होगा 252 से। तो आप इसको इस तरह लिखोगे 1/243 + 9, यही 252 होगा ना, हाँ 1/5 है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, 243 कॉमन लोगे, 243 के ऊपर पावर 1/5 आ जाएगी, पीछे बचेगा 1 + 9/243। इस वाली चीज को जब ऊपर लेके जाओगे तो 1/5 क्या हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा, और ये इस चीज को नीचे रहने दो, ये नीचे होगी 243 की पावर 1/5, 3 होता है तो नीचे 3 होगा, उसको साइड पे आप लिख सकते हो 1/3, ये सिचुएशन बन रही होगी। अब इस पर आप बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाओगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मेथड इंशाल्लाह डिस्कस होगा, जो अलग चीज है वो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, उसके बाद यहां पे एक्सरसाइज में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं एडिट करूंगा तो 5 सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, उसकी वर्डिंग क्या होगी, इफ ए एंड बी आर नियरली इक्वल देन प्रूव दैट, वो जब आप देखोगे वीडियो में आपको नजर आ जाएगा। वो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि वो आपकी बुक की एग्जाम्पल में मौजूद है, अगर आप देखो तो पेज नंबर 233 में एक एग्जाम्पल मिलेगी, एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो दो वर्डिंग आती है, एक वर्डिंग तो आप देखोगे बुक में सॉल्व करवाई भी है मैंने, जो एडिट करके आप लोग देखोगे लगाई भी होगी मैंने। अब उसके अंदर क्या लिखा होगा, उसके अंदर लिखा होगा इफ ए, मैं मुंह से आप लोगों को बता देता हूं, इफ ए बी नियरली इक्वल टू बी, कि जो ए है ना वो ऑलमोस्ट बी के इक्वल है, हल्का फुल्का फर्क है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह लिख सकते हो कि ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी, लेकिन अगर आप इक्वल का साइन लगाना चाह रहे हो तो आप इस कंडीशन को इस तरह लिख सकते हो कि ए इक्वल टू बी प्लस एच, वेयर एच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कहने का मतलब ए और बी में थोड़ा बहुत फर्क है ना, कंसिडर कर लो ए जो है वो 1.1 है और बी जो है वो 1 है, ऑलमोस्ट बराबर है, तो इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है, एच के बराबर है, वो मैंने ऐड किया हुआ है कि ए और बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, थोड़ा बहुत फर्क है ना, तो बी के अंदर कुछ किसी एच को मैं ऐड करूंगा, वो एच पॉजिटिव भी हो सकता है, वो एच नेगेटिव भी हो सकता है, तो मेरे पास ए आ जाएगा। तो यहां पे एच जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि ए और बी ऑलमोस्ट बराबर है, हल्का फुल्का फर्क है, तो एच काफी स्मॉल होगा। इस कंडीशन को रख के आप सवाल को सॉल्व करोगे तो आप वीडियो में देखोगे आपको नजर आ रहा होगा पूरा सॉल्यूशन मैंने किया हुआ होगा। यही चीज जब बुक की एग्जांपल में आती है, ये पुरानी बुक में एग्जैक्ट यही एग्जांपल मौजूद थी, यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है इफ ए माइनस बी बी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद ए और बी, यहां पे इन्होंने बोला हुआ है कि जो ए माइनस बी है ना वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू ए और बी, एग्जैक्ट वही बात इन्होंने बोली हुई है। कहने का मतलब कि ए और बी यहां पे भी ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि उनका डिफरेंस जो है वो बहुत छोटा है, मतलब दो क्वांटिटी बहुत स्मॉल दो क्वांटिटी अगर बहुत करीब करीब होती हैं एक दूसरे के तो उनका डिफरेंस छोटा होता है ना, तो वही बात इन्होंने बोली है कि ए माइनस बी मतलब इनका डिफरेंस बहुत छोटा है एज कंपेयर टू जो ए और बी ओरिजिनल है। तो कहने का मतलब वो कि इनका डिफरेंस छोटा है तो आप उसको एच के बराबर लेट कर लो, वेयर एच रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल क्वांटिटी को। तो यहां से दोबारा वही कंडीशन बनेगी ए इज इक्वल टू बी प्लस एन, इसी कंडीशन को रख के बुक की आपकी एग्जाम्पल सॉल्व हुई है। तो बाकी सॉल्व किस तरीके से करना है वो आप पूरा ऑब्जर्व करोगे आपको नजर आ जाएगा, ये बात वो आपको एडिट में भी नजर आ जाएगा, वो क्वेश्चन देखने के बाद आप बुक के एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 नजर आएगा, 5 में क्या करना है आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब इन सब सीरीज को आप कंपेयर करोगे बायनोमियल सीरीज की जनरल फॉर्म से, वहां से एन निकालोगे एक्स निकालोगे फिर आप इसको सॉल्व करोगे, वो आप देख लेना। हर किस्म के सवाल बताए हुए, दो ही किस्म के सवाल है 5 के अंदर, या तो पॉजिटिव ही है या नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह चल रहा होगा अल्टरनेट, तो दोनों मैंने वीडियो में बताए हुए होंगे, गौर से सुनना दोनों तरीके आपको बताऊंगे कि फर्क हल्का फुल्का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यूजिंग बाइनोमियल, आपको प्रूफ करना है, तो पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 जो है एग्जैक्ट, अच्छा ये पुरानी बुक में भी होते थे, बस पुरानी बुक में हल्का फुल्का इनमें फर्क था, जैसे पार्ट नंबर 1 में √2 लिखा हुआ है ना, तो मेरे ख्याल में लेफ्ट हैंड साइड का 1 जो है वो पुरानी बुक में राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया करते थे, मतलब √2 - 1 कर दिया था और ये आपको प्रूफ करना था, हल्का फुल्का फर्क है। सवाल जब आप देखोगे तो पार्ट 1 मैंने सॉल्व करवाया था वीडियो के अंदर, सवाल देखोगे एग्जैक्ट मैंने 1 + 1/4 यही कंडीशन रख के पूरा सॉल्व कर रहा है, और देखना एंड पे इसका आंसर √2 आ रहा होगा, तो आपका सवाल वहां पे खत्म हो जाएगा। हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन वो पुराने बुक की थी तो आप उसको छोड़ देना, सवाल तो आपका हो गया। पार्ट नंबर 2 तो एग्जैक्ट मेथड में यही था पुरानी बुक में, ये भी मैंने शायद सॉल्व करवाया हुआ होगा,
तो आप देख लेना मैंने किस तरह सॉल्व करा हुआ है एग्जैक्टली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया और क्वेश्चन नंबर 9, इनमें फर्क यह है कि जब आप बायनोमियल सीरीज से कंपेयर करोगे तो इनमें 1 नहीं आता शुरू में, जबकि आपको पता है बायनोमियल सीरीज में 1 आता है, तो आप दोनों तरफ अपनी तरफ से 1 ऐड करवाओगे। तो ये दोनों तरफ अपनी तरफ से ऐड करवाने वाला कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर में नजर आ जाएगा। और इसी किस्म की आपके एंड पे ना कोई एक इक्वेशन आपने प्रूव करनी होती है, तो वो मैंने एडिट करके क्वेश्चन लगाया हुआ है, एक क्वेश्चन आपको नजर आ जाएगा वहां पे। तो जब आप मेथड देख लोगे ना कि अपनी तरफ से 1 किस तरह ऐड करवाना है और एंड पे इक्वेशन कैसे प्रूव करनी है आपने, जब वो मेथड समझ जाओगे तो 7, 8, 9 आप लोग खुद ही आसानी से कर लोगे। तो रट्टा नहीं मारना कि क्वेश्चन कर लेंगे तो इसका मतलब सर करवाएंगे तो हमें आ जाएगा। मैंने किसी किस्म का क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, उसी को कॉपी करके आप लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट को कॉपी करके इसको इस तरह सॉल्व कर लेना, और अगर ना समझ आए तो मैंने बताया था गाइड से थोड़ी हेल्प ले लेना। तो इस तरीके से 7.3 जो है ये हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 8.4 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और क्या था मैं पहले मेंशन कर देता हूं, 1 + x^n। अब इसमें हमारे पास फॉर्म ये होनी चाहिए कि सबसे पहले 1 होना चाहिए, उसके बाद x की कोई टर्म होनी चाहिए, जरूरी नहीं x होगा, कोई और चीज मौजूद होगी। अब किसी सिचुएशन में 1 नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, 6 में देखो 1 नहीं है, तो उसको 1 हम बना लेंगे किस तरह देख लेंगे हम। और अगर दरमियान में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आप x के साथ लगा देना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास देखो 1 - x^n, तो आप इसको इस तरह लिख देना 1 + -x इस तरह, तो बिल्कुल आप उससे कंपेयर करना। अब जो आप x लोगे वो नेगेटिव x ले लेना, बाकी एग्जैक्ट जो फॉर्मूला वही अप्लाई करना, x की जगह -x आप पुट कर देना, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था, 1 + nx + n(-1)/2 (x²) + n(-1)/(n-1)/2 (3)/x³। और ये चीज चलती जाएगी। जनरल टर्म हमने इसकी लिखी थी, जनरल टर्म क्या थी, n (-1)/(n-2)/2 कहां तक जा रहे थे आप, n - r+1। मैंने पूरा डिटेल में बताया था जनरल टर्म कैसे आई है, डिवाइडेड बाय r·(x)^r। और अभी भी आप चल रहे हो, खत्म नहीं हो रही। अगर आपको बायनोमियल टर्म याद हो उसमें खत्म हो गया था ना आखिरी टर्म, वो NCN थी और वो b·(n) थी, जो भी खत्म नहीं हो रहा, एंड पे अगर आप देखो डॉट 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 है, इनफिनिट जा रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो आपने यूज करना है, ये फॉर्मूला मैंने सामने मेंशन कर दिया। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा, 2-3 सवाल मैं करवाऊंगा शुरू के 6 सवालों में, तो उसमें बातें हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले बेसिक बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तो बड़ा इजी होगा यार, बहुत ही बेसिक है, उसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स्ट्रा चीज क्या है कि यहां पे जो आपके पास बायनोमियल सीरीज जो आप लगाओगे ना, इसमें पहली चीज 1 नहीं है, तो जरा देखते हैं 1 कैसे बनाएंगे इसको। पावर यहां पे देखो 5/2 है, तो आप बायनोमियल थ्योरम यूज नहीं कर पाओगे, जो हमने मॉडिफाई किया था वो आपने यूज करना होगा। किस तरह यूज करोगे आप, यहां पे आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करो। सॉल्यूशन क्या होगा, चाहो तो अगर एग्जाम में सवाल आते नहीं है, बहुत छोटे तो बेसिक से सवाल होते हैं, लेकिन अगर आ गए तो आप फॉर्मूला मेंशन कर देना, आपको कैलकुलेशन में बड़ी आसानी होगी, मैंने एक दफा ही मेंशन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेसिक सिंप्लीफिकेशन करो। सिंप्लीफिकेशन क्या है, आपके पास लिखा हुआ है 4 + 3x^5/2, ये बराबर होगा कि आप इन दोनों टर्म से 4 कॉमन ले लो। आप लोग कहोगे सर दूसरी टर्म में तो 4 आ ही नहीं रहा, इसको आप कहते हो जबरदस्ती का कॉमन। आप बाय द वे पहली टर्म से 4 कॉमन लो तो क्या बचेगा, पहली टर्म में 1, और दूसरी टर्म में से जब आप 4 कॉमन लोगे और 4 यहां पे मौजूद नहीं है, तो जबरदस्ती जब आप कॉमन लेते हो ना, तो उसके रिजल्ट में होता क्या है कि डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, मतलब ये सिचुएशन हो जाएगी 3x/4। ये आपने जबरदस्ती का कॉमन लिया, 3x में 4 था नहीं, लेकिन जबरदस्ती जब आप कॉमन लो 4, तो आपको एक 4 नीचे लगाना पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करो तो चीज वही आनी चाहिए, आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 आ रहा है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से 4 कैंसिल, दोबारा 3x आ रहा होगा। तो जब आप जबरदस्ती का कॉमन लेते हो तो जो चीज आपने जबरदस्ती की कॉमन ली है उससे आप डिवाइड कर दो। ये आपने ये अंदर पावर के अंदर सब आप कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप पावर बाहर लगा दो। तो ये जो काम हो रहा था ये आपने अंदर किया है। अब क्या करो, आप 4 पे पावर आएगी, 4 की पावर 5/2 और बाकी 1 + 3x/4 की पावर 5/2। मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 की पावर 5/2 क्या होगा, देखो 4 को इस तरह लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर, ठीक है, आप इस 4 की जगह लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब पावर्स आपको पता है आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये वाला 2 और ये वाला 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32। तो सिंपल लैंग्वेज में ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी चीज जो है ये इसके बराबर होगी, तो इसको एक्सपेंड करना बराबर है कि आप इसको एक्सपेंड करो, और इसको एक्सपेंड करना मैं पता बड़ा इजी है, किस तरीके से एक्सपेंड करोगे, बहुत इजी तरीका है, 32 लिखो और इस पे आप लगा दो बायनोमियल,
अब बाइनोमियल लगाते हैं, बाइनोमियल क्या था, सबसे पहले आप लिखो 1 प्लस एन एक्स, एन यहां पे क्या है 5 अपॉन 2, तो एन और एक्स का रोल कौन अदा कर रहा है वहां पे 3x अपॉन 4, ठीक है, एन एक्स हो गया, प्लस एन एन माइनस 1, एन है यहां पे 5 अपॉन 2, ये एन हो गया, एन माइनस 1 मतलब 5 अपॉन 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, एक्स का रोल यहां पे कौन अदा कर रहा है 3x अपॉन 4, तो इसका स्क्वायर कर दो आप, और चीज चलती जाएगी यहां पे, ठीक है। जनरल टर्म में लिखने की जरूरत नहीं, आपने इसको एक्सपेंड करना है कितने तक, लिखा हुआ एक्सपेंड टू 4 टर्म्स, तो 1, 2, 3 टर्म तक एक्सपेंड कर दिए, एक और टर्म मतलब 4 टर्म तक आपने एक्सप्रेस करना है इसको, एक्सपेंड करना है, तो चौथी टर्म क्या होगी 5 अपॉन 2, फिर 5 अपॉन 2 माइनस 1, फिर होगी 5 अपॉन 2 माइनस 2, चौथी टर्म में यह आ रहा होगा डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। इस तरह याद रखो कि अगर नीचे 3 आ रहे हैं ना तो ऊपर 3 टर्म होंगी, अगर 2 आ रहा है मतलब टर्म तो एक ही है, मतलब 3 ब्रैकेट आप समझ लो, अगर नीचे 2 आ रहा है ऊपर 2 ब्रैकेट होंगी, और 2 ब्रैकेट आप खुद ही समझ जाओ, पहले n होगी फिर n माइनस 1 होगी, अगर नीचे 3 आ रहा है ऊपर 3 ब्रैकेट होंगी, 3 ब्रैकेट मतलब n, n माइनस 1, n माइनस 2, इस तरह आप समझ सकते हो, या दूसरी लैंग्वेज में जो यहां पे नंबर आया है ना उससे एक कम यहां पे होगा, अगर यहां पे 3 है तो यहां पे 2 होगा, अब 2 कैसे आएगा, पहले n होगा फिर n माइनस 1 होगा फिर n माइनस 2 होगा ना, डेफिनेटली ऊपर 3 हो जाएंगे 12, और फिर x का क्यूब, x यहां पे क्या है 3x अपॉन 4, और इसका आपने क्यूब कर देना, दैट्स इट। सवाल में आपको बोला हुआ था कि आपने 4 टर्म तक एक्सपेंड करना है क्योंकि इन्फिनिट है भाई, कहां तक जाओगे, तो उन्होंने बता दिया 4 टर्म तक ही करो, ज्यादा आगे फॉली ना काटो। अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं, 32 ये हो जाएगा 1, सॉल्व करो, कुछ कैंसिल हो रहा है, 15 अपॉन 8 आ रहा है, तो 15 अपॉन 8x। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आप देखो ऊपर ऊपर आपके पास आ रहा है 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 से 1 कम करोगे 3 अपॉन 2 हो जाएगा, और नीचे क्या है 2, ये वाला 2 ये 2 कैंसिल नहीं होते, ये ध्यान में रखना, अगर डिनोमिनेटर में ये 1 अपॉन 2 होता ना, अब ये वाला 2 से कैंसिल हो सकता था, तो ये ध्यान में रखना है, कैंसिल नहीं कर देना 2 को, ये 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले डिनोमिनेटर से, मतलब ये 2 जो है इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में इंशाल्लाह कर लेंगे, बट अभी इसको स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 16, अच्छा ये हो जाएगा 5 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, जब इसको सॉल्व करोगे ना 2 2 4, 5 माइनस 4 1, तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 और x क्यूब। यहां पे एक बात और करना, जो क्वेश्चन नंबर 7 8 पे आपके काम आएगी, अगर इसकी अगली टर्म में जो लिखूंगा वो नेगेटिव हो जाएगी, इसकी अगली टर्म नेगेटिव क्यों होगी, अगर आप इसको गौर से देखो इन सब टर्म्स को, इसमें नेगेटिव कैसे आ सकता है, इस वाली टर्म से तो नेगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आएगा, फैक्टोरियल भी कभी आपको नेगेटिव नहीं देगा, नेगेटिव आने का जिम्मा किसका है, न्यूमरेटर का, क्योंकि आपको पता है इससे अगली टर्म जो होगी वो क्या होगी, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और x की पावर 4, 4 फैक्टोरियल मसला नहीं करेगा, इसकी पावर 4 मसला नहीं करेगी, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव किसकी वजह से आएगा, जो चौथी ब्रैकेट होगी ना n माइनस 3 वो नेगेटिव लाएगी, मतलब 5 अपॉन 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस 1 अपॉन 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 में आपको यही बताना होता है कि फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, अगर आप इसमें देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जो पहली नेगेटिव टर्म है ना वो इसके बाद आएगी, तो ये मालूम करने का तरीका भी मैं वहां पे बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल अगर आप देखो ना तो आप आसानी से मालूम कर सकते हो कि नेगेटिव किस वजह से आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव लाने का रिस्पॉन्सिबल यही है, क्योंकि फैक्टोरियल तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप खुद ही समझ जाओगे इससे अगली वाली जो टर्म होगी ना उसमें 5 अपॉन 2 माइनस 3 आएगा, और वो इस पूरी फ्रैक्शन को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव होंगे, 5 अपॉन 2 माइनस 3 जो है वो नेगेटिव कर देगा सबको। तो 7 8 में इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, मैं एक और तरीका भी बताऊंगा जनरल टर्म से, लेकिन ये मैनुअल भी आपको पता होना चाहिए, बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों मजीद, और ये हो जाएगा 32 1 प्लस 15 अपॉन 8x, इसको किस तरह सिंप्लीफाई करोगे, अब देखो इसको रफ तौर पे भी आप कर सकते हो ताकि फाइनलाइज आंसर लिखो, 5 3 क्या होता है 15, 2 2 4 और 4 वाला 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 15 अपॉन 8, हाँ, और ये क्या होगा 9 अपॉन 16x स्क्वायर। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर, नहीं 8 और 9 ये कैंसिल नहीं हो रहे, 16 15 कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दो, 15 को आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो आई गेस 135 आता है ना,
135 मैनुअली पहले हम करते हैं ना, और 8 को 16 से करोगे 60 80 128 आएगा, 128 x की पावर स्क्वायर। और आई गेस यही है 15 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 16। हाँ, ये सिंपलीफाई भी नहीं हो सकता। फिर अगले टर्म पे आ जाओ। अगले टर्म में क्या है भाई, 5/2 3/2 ये तो होता है 15/8। 15/8 को 1/2 से करो 15/16, यही होगा ना, 15/16 मल्टीप्लाई 6, 6 को कैंसिल कर सकते हो, मतलब ये वाला 6, मैंने बताया 6 ना इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 3 2 6 3 5 जो भी, तो ये हो जाएगा 5/32। 5/32 को मल्टीप्लाई करो 27/64 से, तो बेहतर आप कैलकुलेटर यूज कर लो, 5 × 27 32 × 64, तो ये आ रहा है 135 / 2048 x की पावर 4। दैट्स इट, ये आपकी चौथी टर्म में, आपने चौथी टर्म तक ही एक्सप्रेस करना था, ये आंसर आता है। ठीक है, 32 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कॉमन आ रहा है तो उसको ऐसे रहने दो। ये बच्चों इसकी एक्सपेंशन है, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये आपके पास सारी टर्म्स आ रही होंगी। चार टर्म तक आपने लिखा है, इससे आगे आपने नहीं लिखा। अगेन वही, अगर आप चाह रहे हो कि इसका सम पॉसिबल हो, तो सम पॉसिबल उसी वक्त होगा जब ये जो x है ना, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। एक चीज रुको, मैं एक चीज कंफर्म करने लगा हूं। ठीक है, तो अगर चाहो तो आप इसके आगे लिख सकते हो कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1, और इस चीज को इस तरह भी आप लिख सकते हो कि -1 और 1 के दरमियान x होना चाहिए, तब इसका सम जो है वो पॉसिबल होगा। यहां पे हमारा मकसद सम निकालना नहीं था, लेकिन अगर आप बात करो इस सीरीज का, अच्छा उसको कन्वर्ज करना भी कहते हैं, कि सीरीज कन्वर्ज उस वक्त करेगी जब x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1। कन्वर्ज मतलब कोई आंसर आ रहा होगा, डाइवर्ज मतलब कोई आंसर नहीं आ रहा, या तो ऑल्टरनेट हो रही है प्लस माइनस, या फिर उसका सम बहुत बड़ा होता जा रहा है। दोनों सिचुएशन में आप डायवर्ज का वर्ड यूज कर लेते हो। डायवर्ज तो वैसे इन्फिनिटी के लिए यूज करते हैं कि आपके पास इन्फिनिटी आ जाए, लेकिन ऑल्टरनेट के लिए भी आप कह दो कि वो डायवर्ज ही है, तो वो दोनों केसेस में आप डायवर्ज ही बोलोगे। कन्वर्ज उस वक्त होगी जब उसका सम कोई नंबर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पावर नेगेटिव है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, और भी ऐसे सवाल है जिसमें पावर नेगेटिव है, तो मैं काम करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 में पावर नेगेटिव होगी और उसकी स्टार्टिंग 1 से होगी, तो 1 वाली स्टार्टिंग भी देख लेना, और एक क्वेश्चन नंबर 6 भी करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा तो मुश्किल तो नहीं है, देख लेते हैं फिर, पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में काफी चीजें एक साथ आप देखोगे, सबसे पहले तो एक चीज डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में आप लाओगे, फिर उसके अंदर x भी नेगेटिव है, इसी तरीके से पावर भी नेगेटिव है, तो काफी चीजें इसके अंदर कवर हो रही है, ये चीज आपके पास लिखी है। अब सबसे पहली बात, ये जो 3 लिखा हुआ है, ये 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये 3 क्यूब रूट है। यहां क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, जैसे स्क्वायर रूट होता है पावर 1/2 होती है, तो क्यूब रूट की पावर क्या होती है 1/3 होती है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करो, ये जो पूरी चीज आप लोगों के सामने लिखी हुई है, सबसे पहली बात इसको आप इस तरह लिख सकते हो 1/(1 − x²) की पावर 1/3, और जब ये पावर ऊपर जाएगी ये हो जाएगा 1 − x² की पावर −1/3, जब आप ऊपर लेके जाओगे पावर नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप एक और काम भी कर सकते हो समझने के लिए, कि आप इसको इस तरह लिख दो 1 + −x² की पावर −1/3। वैसे बुक में ऐसी सीरीज भी लिखी है जिसमें अगर आपके पास यहां पे नेगेटिव आ जाए ना, तो वो उसकी जनरल फॉर्म को चेंज कर देते हैं। जनरल फॉर्म में कहीं प्लस आ रहा होगा, n+1 n+2 ये सब आ रहा होगा, ये मैंने आप लोगों से थ्योरी में डिस्कस की थी बात, लेकिन इसको हम इतना यूज नहीं करेंगे, कंफ्यूज करने वाली बात होती है कि अलग सीरीज पे अगर अलग चीज लगाओगे आप, तो मेन चीज है कि आप हर एक में ना ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और इस वाले फॉर्मूले के लिए आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। बस इस जनरल फॉर्म को याद कर लो, 1 + x आपको ये चाहिए। तो देखो 1 + x, यहां पे आपका क्या है −x², मतलब जो वहां x रोल अदा कर रहा है ना, वो यहां पे −x² रोल अदा कर रहा है, और वहां पे जो n है वो यहां पे −1/3 है। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, आपको ज्यादा मसला ना हो, वो जो चीज है वो आप मजबूरी में कभी हम इस्तेमाल करेंगे, मजबूरी क्वेश्चन नंबर 11 में भी है, वहां पे आसानी होगी उस चीज को इस्तेमाल करना, तो वहां पे देख लेंगे उसको। अभी आप मामले को सिंपल ही रखो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना लेके जाओ। किस तरह आप सॉल्व करोगे, बाइनोमियल अप्लाई करो इसके ऊपर। सबसे पहली टर्म क्या होगी बच्चों इसकी 1, फिर दूसरी टर्म होती है एन एक्स, एक्स यहां पर क्या है −x², फिर तीसरी टर्म होती है एन एन -1
ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर है हमारा, मतलब ये एक्स है इसका आपको स्क्वायर करना है। पहले आखिरी टर्म चौथी टर्म भी लिखनी है आपको, एन एन माइनस वन एन माइनस टू। मैंने बताया था नीचे अगर 3 फैक्टोरियल आएगा तो ऊपर 3 ब्रैकेट्स आप लिखोगे और फिर होगा जो भी x है यहां पे उसका क्यूब करोगे डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। आपने इसको सिंप्लीफाई करना, देखो तरीका वही है, कोई नई चीज नहीं है जो हमने यहां पे की है, और सिंप्लीफाई करो इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये होगा माइनस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 3। इसको बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 है, माइनस की पावर एवन तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स 4। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, पहली ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन 3, दूसरी हो जाएगी माइनस 4 अपॉन 3, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 3 डिवाइड में 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और जब इसका क्यूब करोगे माइनस का क्यूब माइनस होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या होगा, पहली बात माइनस माइनस पॉजिटिव, ऊपर होगा 4 अपॉन 9, 4 अपॉन 9 को मतलब 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18, ये हो जाएगा 4 अपॉन 18। 4 अपॉन 18 को सिंप्लीफाई किस तरह करोगे आप, 2 अपॉन 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 9 एक्स की पावर 4। मसला होगा तो ये पूरी चीज कैलकुलेटर में डालो, फ्रैक्शन कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा, खुद करो तो ज्यादा बेहतर है। माइनस माइनस पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 4 माइनस है पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दैट्स इट, आप पॉजिटिव ही कंसीडर करो इसको। अच्छा, उसके बाद ये हो जाएगा 147 मल्टीप्लाई करो 28, इसको साइड पे कर लेते हैं, ऊपर होगा 28 नीचे क्या होगा 333, ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई ये वाला 6। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 14 जा 28, आपको मजीद कैंसिल होता है 14 27 नहीं होता, नहीं होता, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर में कंफर्म कर लेते हैं कि मजीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, नहीं मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, 14 अपॉन 18 नहीं आएगा, और पावर क्या होगी x की पावर 6, और आगे आप चलते जाओ। तो ये आपने बाइनोमियल पूरा एक्सपेंड कर दिया, अगेन वही बात, अगर आप चाह रहे हो ये कन्वर्ज करें तो यहां पे x जो है, ये जो आपको x नजर आ रहा है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम होनी चाहिए क्योंकि इसकी हायर पावर है ना, याद रखो जब x जो है 1 और माइनस 1 के दरमियान होगा तो उसकी हायर पावर बजी छोटी होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप 0.5 की पावर को बढ़ाते जाओ, आप 0.5 की पावर स्क्वायर करोगे तो आंसर आ रहा है 0.25, कम हो गया। आप 0.5 की पावर फॉर एग्जाम्पल क्यूब करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.125, और कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी पावर 6 करते हो, अब आंसर आ रहा है 0.0156, मतलब जो नंबर 1 और माइनस 1 के दरमियान होते हैं जब आप उसकी हायर पावर करते जाते हो वो नंबर छोटा होता जाता है, चाहे वो नंबर नेगेटिव भी हो। फॉर एग्जाम्पल माइनस 0.5 है, अब माइनस 0.5 में शुरू में तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव आंसर मिलेगा, इवन होगी पावर ऑड होगी उसमें, लेकिन वक्त आएगा पावर इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसका आंसर छोटा होता जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि माइनस 0.5 करते हैं, अब इसकी फिलहाल स्क्वायर जो है वो होगा 0.25, और अगर आप क्यूब करोगे तो आंसर आएगा माइनस 0.125, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी पावर 10 करता हूं तो इसका आंसर आ रहा है 9.76 इंटू 10 की पावर माइनस 4, मतलब 0.000965। अब नंबर देखो कितना छोटा हो गया, अब नंबर जब बहुत छोटा हो जाए ना तो वो नेगेटिव जीरो हो या पॉजिटिव जीरो हो हम इतना केयर नहीं करते उसकी, क्योंकि वो इंपैक्ट उसका बहुत कम होता है। पॉजिटिव होगा तो कोई 0.004 जाके पता नहीं उसका इंपैक्ट पड़ रहा होगा, 100th प्लेस पे या 1000th प्लेस पे जाके उसका इंपैक्ट पड़ रहा होगा, तो इतना मैटर नहीं करता। अगर इसकी मैं पावर 11 करूं तो ये हो जाएगा अगेन वही माइनस 0.000488। अब क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस माइनस का, तो दैट्स व्हाई अगर आपका एक्स 1 और माइनस 1 के दरमियान होता है तो उसकी हायर पावर बहुत छोटी होती जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर 6 बहुत छोटी है, अब इसकी अगली पावर जो होगी एक्स की पावर बहुत छोटी होगी, उसका इतना इंपैक्ट नहीं होगा, तो अगर मैं शुरू की 3-4 टर्म भी ले लूंगा मेरा काम बन जाएगा। ये बातें मैंने सब डिस्कस की हैं, तो मैं साथ साथ ही बताता रहता हूं ताकि मजीद आप लोगों के ध्यान में आते थे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 ऐसे करवाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूं आप क्या करना शुरू में। लिखा हुआ ना ए स्क्वायर माइनस ए एक्स की पावर माइनस 3 अपॉन 10,
जस्ट सिंप्लीफिकेशन आपने ये करनी है कि आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लेना है, ए स्क्वायर कॉमन लो पहले टर्म में वन बचेगा, और जब मैंने आपको कहा था जबरदस्ती कॉमन लेते हो तो उस चीज को डिवाइड कर दो, तो ए एक्स से ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और भाग पावर माइनस 3/10 आ जाएगी। इस ए से ए वाला ए कैंसिल कर दो और मजीद एक काम करना, ये जो ए स्क्वायर है इसके ऊपर पावर आ जाएगी माइनस 3/10 और 1 माइनस के ऊपर भी पावर आ जाएगी, तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए के ऊपर भी पावर आ गई माइनस 3/10। ठीक है, तो ये है पूरी चीज, इसको आपने सिंप्लीफाई करना। अच्छा माइनस एक्स अपॉन ए है ना, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, इसको अपनी आसानी के इस तरह लिखना 1 प्लस माइनस एक्स अपॉन ए, इस तरह लिख देना। तो अब जरा देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 1 2 2 5 तो ये a की पावर माइनस 3/5 तो साइड पे, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस x अपॉन a की होल पावर माइनस 3/10। तो अब एग्जैक्ट ये फॉर्मूला लगाना, यहां पे n क्या है माइनस 3/10 और x यहां पे क्या है माइनस x अपॉन a, तो बड़ी बात तो नहीं है। क्या होगा यहां पे लिखोगे माइनस 3/10 और यहां पे लिखोगे माइनस एक्स अपॉन ए मतलब एन एक्स, फिर एन एन माइनस वन होता है ना, तो माइनस 3/10 माइनस 3/10 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यहां पे लिखोगे माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर। अच्छा माइनस 3/10 माइनस 3/10 माइनस 1 माइनस 3/10 माइनस 2, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, यहां पे लिखोगे माइनस एक्स अपॉन ए का होल क्यूब, बस चार्ट बना देंगे आपके, सिंप्लीफाई कर लेना आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन नंबर 8, मैं वो करवा देता हूँ, 7 भी कर लेना, ये सवाल एग्जाम में आते हैं, अच्छे फेवरेट सवाल है ये, तो इसको नोट कर लो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, पहले हम लिख देते हैं बाइनोमियल 1 प्लस 3x अपॉन 2 की होल पावर 13/2। अब लिखा हुआ क्या है, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्लियर किया था कि नेगेटिव टर्म आप कैसे निकालते हो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, जब आप बाइनोमियल एक्सपेंड करते हो तो आपके पास पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म आ रही होती है पूरी, तो सबसे पहली टर्म जिसके साथ नेगेटिव आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल शुरू की 3 टर्म पॉजिटिव है चौथी टर्म नेगेटिव है, तो चौथी टर्म को आप बोलोगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, उसके बाद भी नेगेटिव टर्म होंगी लेकिन वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकलाई जाएगी। तो आपको मालूम करनी है वो वाली टर्म जो सबसे पहली टर्म हो जिसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। अभी कैसे पता चलेगा, एक तो वैसे सेंस भी बना के यूज कर सकते हो लेकिन आप स्टेप शो करना थोड़े, और स्टेप किस तरह शो करोगे बता दूंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट लेके चलो ना तो आपको बात पहले समझ आ जाएगी, बाद में फिर आप वर्किंग शो कर देना। सबसे पहले करो क्या, आप यहां पे ना जनरल टर्म यूज कर लो, जनरल टर्म मतलब आर प्लस वन टर्म जो है, इसको आप आर प्लस वन टर्म कहते हो ना बाइनोमियल के अंदर, तो जनरल टर्म जो है ना वो ये वाली है, आर प्लस वन टर्म क्या होती है एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 अप टू एन माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एक्स की पावर आर। यार डिटेल में मैंने समझाई थी कैसे आई है ये एन माइनस आर प्लस वन कैसे आया है नीचे आर फैक्टोरियल, सब चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई थी इंट्रोडक्शन में जो मैंने 8.3 से पहले अपलोड किया था, तो वो जाके आप देख लो आपको बात समझ आ जाएगी वहां पे। अभी जरा हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, वैल्यूज पुट करो अब यहां पे, आपको फिलहाल अभी क्या पता है, आपको फिलहाल एन पता है, एन क्या है 13/2 माइनस 1 13/2 माइनस 2 डॉट 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 13/2 माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल और x की पावर आर, x यहां पे क्या है 3x/2 तो 3x/2 की पावर आर, ये पूरी जनरल टर्म आपने अप्लाई कर दी है। अब आप एक जुमला लिखो, अभी जनरल टर्म है, जनरल टर्म का मतलब पांचवी टर्म छठी टर्म दसवीं टर्म बीसवीं टर्म, जनरल टर्म ये होती है ना कोई भी आप टर्म मालूम करना चाहते हो, जैसे 8.3 में आप क्या कर रहे होते थे कि फॉर एग्जाम्पल आपको छठी टर्म निकालनी है, आप आर की जगह 5 पुट कर देते हैं, 5+6 छठी टर्म आती थी, अगर आपको दसवीं टर्म निकालनी है आप आर की जगह 9 पुट करते थे, 9+1 दसवीं टर्म आती थी, तो ये आपकी टर्म को शो कर रही है। अब जिस हिसाब से आर की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये छठी टर्म को शो करेगी, 10 पुट करोगे ये 11वीं टर्म को शो करेगी, तो एक जनरल टर्म है पूरा ये, तो ये वाली टर्म जो है दिस विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म when 13/2 माइनस आर प्लस 1 लेस देन 0। अब इस बात को इस तरह भी आप कर सकते हो सवाल को, या अगर आप समझ रहे हो ना तो आपको बात समझ आ जाएगी, मैं कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं फिर इस पे आ जाऊंगा कि यार इसको किस तरीके से करना है, ये तो बहुत इजी मेथड है, कॉन्सेप्ट पे जरा बात करते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे यूजिंग बाइनोमियल तो होगा क्या, सबसे पहले आओगी 1
फिर होगा एन एक्स, एन 13 अपॉन 2 है, x यहां पे 3x अपॉन 2 है। दूसरी टर्म में क्या आएगा n, n माइनस 1, मतलब दूसरी टर्म में क्या होगा 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2 माइनस 1। तीसरी टर्म में क्या होगा, सॉरी चौथी टर्म में क्या होगा 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2 माइनस 1, 13 अपॉन 2 माइनस 2। जरा गौर करो, चौथी टर्म में, फोर्थ टर्म में आपके पास क्या आ रहा है 13 अपॉन 2 माइनस 2, मतलब आखिरी चीज जो है मैं उस पर बात कर रहा हूं, इससे पहले 13 अपॉन 2 माइनस 1 होगी, फिर 13 अपॉन 2 होगी, मैं आखिरी टर्म की बात कर रहा हूं। और अभी मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात क्यों कर रहा हूं, वही बात, क्या ये नेगेटिव होगा कभी, नहीं, आर की कुछ भी वैल्यू कर दो नेगेटिव नहीं होगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस वजह से नहीं आ सकती, नेगेटिव इस टर्म की वजह से नहीं आएगा, इस एक्सप्रेशन, क्या नेगेटिव इसकी वजह से आएगा, नहीं, इसकी वजह से भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो नेगेटिव लाने का जिम्मेदार कौन है यहां पे, ये न्यूमरेटर, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ये 13 अपॉन 2 माइनस 2 है, ये करते करते एक पॉइंट ऐसा होगा कि 13 अपॉन 2 से फॉर एग्जांपल अगर आप 10 माइनस कर रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन 10 से पहले अगर आप 9 माइनस कर रहे हो तब भी तो नेगेटिव आ रहा है ना। तो आपको सबसे पहली वो ब्रैकेट देखनी है जो यहां पे माइनस ला रही है, अब वो कैसे पता चलेगा, फोर्थ टर्म में मैक्सिमम टर्म ये होगी ना न्यूमरेटर के अंदर, एन माइनस 2 होता है ना फोर्थ टर्म में, तो 13 अपॉन 2 माइनस 2। अच्छा इसी तरह सिक्स्थ टर्म की बात करते हैं, सिक्स्थ टर्म में क्या होगा 13 अपॉन 2 माइनस 4, मैं एक स्किप कर रहा हूं, फिफ्थ टर्म में 13 अपॉन 2 माइनस 3 होगा, आखिरी इसमें 13 अपॉन 2 माइनस 4 होगा। क्या ये नेगेटिव है, 2 4 जा 8, 13 माइनस 8 क्या होता है 5 अपॉन 2, ये तो नेगेटिव नहीं है। एट टर्म की बात करते हैं, एट टर्म में क्या होगा 13 अपॉन 2 माइनस 6, अभी भी देखो नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये आखिरी पॉजिटिव टर्म है, कैसे आखिरी पॉजिटिव, इसके बाद पॉजिटिव कोई नहीं आएगी, क्यों, 2 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो माइनस 12, 13 माइनस 12 क्या होता है 1 अपॉन 2, ये आखिरी पॉजिटिव टर्म है 1 अपॉन 2, इसके बाद कोई पॉजिटिव नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप नाइन्थ टर्म देखोगे ना, नाइन्थ टर्म में क्या होगा 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2 माइनस 1, फिर माइनस 2 करते करते आखिरी क्या होगी 13 अपॉन 2 माइनस 7, और ये नेगेटिव है। आप ऑब्जर्व कर लो, 2 को माइनस 7 से करो माइनस 14, 13 माइनस 14 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये वो चीज है जिसकी वजह से आपके पास नेगेटिव आ रहा है। तो जो पहली नेगेटिव टर्म होगी वो कौन सी होगी, नाइन्थ टर्म, नाइन्थ टर्म वो पहली टर्म होगी जो बेचारी नेगेटिव होगी, और किस वजह से नेगेटिव होगी, उसके न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट आ रही होंगी ना सब पॉजिटिव होंगी, 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2 माइनस 1, 13 अपॉन 2 माइनस 2 करते करते अप टू 13 अपॉन 2 माइनस 7 जो है वो उस नाइन्थ टर्म को क्या कर देगी, नेगेटिव कर देगी। ठीक है, तो नाइन्थ टर्म में आर की वैल्यू क्या होती है, नाइन्थ टर्म में आर की वैल्यू 8 होती है। अभी मैनुअल आपने निकाला है, अब इसको हम थोड़ी वर्किंग करके दिखा लेते हैं, वर्किंग कैसे करेंगे। यहां पे जो टर्म है ना ये आखिरी टर्म को शो कर रही होती है ना, जब मैंने आपको जनरल टर्म बताई थी बिल्कुल सिंपलीफाई आपने किया था, तो आखिरी टर्म आखिरी एक्सप्रेशन आपकी बन रही थी, आखिरी एक्सप्रेशन आपकी ये है, तो आखिरी एक्सप्रेशन आपकी क्या चाहिए आपको, नेगेटिव चाहिए, आखिरी एक्सप्रेशन आपको नेगेटिव चाहिए। ठीक है, अब आखिरी एक्सप्रेशन नेगेटिव चाहिए, इसको मैथमेटिकल अंदाज में कैसे लिखोगे, लेस देन जीरो, क्योंकि अभी मैंने बात बताई है कि जो नाइन्थ टर्म होगी उसमें शुरू की जो कितने ब्रैकेट आएंगे, इसके अंदर नाइन्थ टर्म में आपके पास कितनी ब्रैकेट होंगी, चार टर्म में आपके पास तीन ब्रैकेट होती है ना ऊपर, तो नाइन्थ टर्म में आपके पास आठ ब्रैकेट्स होंगी, उसमें से जो सात ब्रैकेट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, जो आखिरी वाली होगी ना आठवीं ब्रैकेट ये वाली वो नेगेटिव होगी, और वही तो आपको मालूम कर रहा है उस आठवीं में यहां पे एक नंबर क्या लिखा हुआ है, खुद ही आप मालूम कर लो। तो ये जो है ये सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि आखिरी ब्रैकेट को शो कर रहा है, तो आप इसको क्या करो लेस देन जीरो करो, नेगेटिव कब होगी ये मालूम करते हैं, 13 अपॉन 2 प्लस 1 को इधर ही रहने दो माइनस आर को उधर ले जाते हैं, इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2, मतलब 2 1 2 2 प्लस 13 15 अपॉन 2। अब देखो इनइक्वालिटी और इक्वालिटी इन दोनों में फर्क होता है, इक्वालिटी में अगर आपके पास 2 इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है ना तो आप इसको एक्स इक्वल टू 2 लिख सकते हो, लेकिन इनइक्वालिटी में ये नहीं होता, 15 अपॉन 2 इज लेस देन आर लिखा हुआ है, अगर आप आर को उधर लेकर आना चाह रहे हो ना तो जो मुंह है अब ये चेंज कर दो, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ज्यादा ध्यान में रखना, और 15 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हो 7.5। अब ये चीज आपको क्या बता रही है, ये चीज आपको ये बता रही है जब r यहां पे 7.5 से ग्रेटर होगा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अब r आपको पता है फ्रैक्शन में तो नहीं लेते आप, पॉइंट में तो नहीं होता, r या तो 7 होगा या 8 होगा, मतलब नेचुरल चल रहा होता है ना। अब या आप जीरो भी कह लो, इस वाले टर्म में r जीरो आप कह लो सिंपल लैंग्वेज में, कि 13 जो पहली टर्म होती है ना 13 अपॉन 2, इसमें 13 अपॉन 2 माइनस 0 है, इसके साथ कोई चीज नहीं लिखी गई बट। तो यहां पे फॉर एग्जांपल अगर आप इधर r 7 पुट कर रहे हो तो क्या होगा, 13 अपॉन 2 माइनस 7 प्लस 1 मतलब माइनस 6 हो जाएगा, 13 अपॉन 2 माइनस 6 तो नेगेटिव नहीं होगी वो तो पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब r की वैल्यू 7 पे पॉजिटिव ही आंसर आ रहा है, और ये इनइक्वालिटी भी आपको बता रही है, इनइक्वालिटी बता रही है r अगर 7.5 से ग्रेटर पुट करोगे तब ये नेगेटिव होगी, और 7.5 से ग्रेटर क्या होगा 8,
तो जब आप यहाँ पे 8 पुट करोगे ना तो होगा क्या, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 माइनस 7, वही टर्म, ये कल्प्रिट टर्म है जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी, ये वो टर्म है जो नेगेटिव लाएगी, पहला नेगेटिव ये बता दी, तो ये कब लाएगी r इक्वल टू 8 पे। अच्छा r इक्वल टू 9 पे भी नेगेटिव आएगा, वो कोई मसला, r इक्वल टू 9 पे भी नेगेटिव होगा, लेकिन वो टर्म नेगेटिव नहीं होगी, सबसे पहली बात वो टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि इससे अगली टर्म जो है ना उसमें दो नेगेटिव आ रहे होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन उससे अगली टर्म जो है वो नेगेटिव होगी, उसमें r की वैल्यू होगी 10, लेकिन वो फर्स्ट नेगेटिव नहीं होगी, वो सेकंड नेगेटिव होगी। फर्स्ट नेगेटिव कैसे होगी, 7.5 के फौरन बाद r की कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, 8, तो r इक्वल टू 8 पे आपको सबसे पहले नेगेटिव टर्म मिल जाएगी। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को करवाया नहीं है, समझाया, वरना इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है, इतना करवाते हैं टीचर्स, आगे से r की वैल्यू वेट करते हैं, बच्चे भी खुश टीचर भी खुश, लेकिन मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्चुअल इस पे लेके गया हूं कि फर्स्ट नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी एग्जांपल भी मिलेगी, अगर आपने समझ लिया तो बुक में जो एग्जांपल है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो बच्चों डिटेल में मैंने बात क्लियर कर दी है, अब आ जाओ वर्किंग पे, मजीद वर्किंग क्या करेंगे। तो हमने यहां से भी मालूम किया था ना कि 9th टर्म होगी जिसमें आर की वैल्यू 8 होगी, तो यहां से भी आपको पता चल गया, तो कैलकुलेशन और मैनुअल दोनों में आपने देख लिया कि आंसर आपके सेम ही आ रहे हैं। तो आप लिख दो, हेंस इफ आर इज इक्वल टू 8 देन वी विल गेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बस आप बता दो भाई r की वैल्यू 8 पे आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगी, ये आपने अपने रिमार्क्स दे दिए, अब वो नेगेटिव टर्म मालूम करो, किस तरह मालूम करोगे, r की वैल्यू 8 पुट कर दो यहां पे, ठीक है, तो अब r की जगह 8 पुट कर दो, ये हो जाएगा 8 प्लस 1, ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना आपको सिंप्लीफाई बहुत करना पड़ेगा, तो मैं एक स्टेप स्किप कर दूंगा यहां पे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है ना तो ब्रैकेट काफी ज्यादा बन रही होंगी, कितनी 8 ब्रैकेट है शायद इसके अंदर, तो होगा क्या, तो जब r 8 पुट करोगे ना आपके पास ऊपर 8 ब्रैकेट्स आएंगी, ठीक है, r ब्रैकेट्स क्या होंगी, सबसे पहले होगी 13/2, फिर होगी 13/2 माइनस 1, फिर होगी 13/2 माइनस 2, और मैं स्किप कर रहा हूं दरमियान में, 13/2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7, आखिरी क्या होगी 13/2 माइनस 7। कैसे पता चला, जब r यहां पे 8 पुट करोगे तो माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7, तो आखिरी वाली 8 होगी, डिवाइडेड बाय r आपका क्या है 8 है, तो नीचे हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या हो जाएगा, r की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, r की 8 वैल्यू पुट किए तो ये हो जाएगा 3x/2 की पावर 8। अब बच्चों आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, आप सिंप्लीफाई कर लो यूजिंग कैलकुलेटर, पहले मेंशन कर दो क्या होगा, 13/2 जब इसको सॉल्व करोगे ना ये होगा 11/2, फिर होगा 9/2, चौथी में होगा 7/2, ये है पांचवी, फिर है छठी टर्म, मतलब छठी एक्सप्रेशन ऊपर छठी ब्रैकेट, सातवीं में होगा 1/2, जो आठवीं ब्रैकेट होगी उसमें होगा -1/2 इसमें, और आपके पास पहली नेगेटिव टर्म आ जाएगी, वो आखिरी की वजह से नेगेटिव आता है, और नीचे 8 फैक्टोरियल, उसके बाद नीचे 8 फैक्टोरियल। अच्छा देखो इसका आंसर जो है ना बुक में पावर्स की फॉर्म में आया हुआ है, तो हम भी पावर्स की फॉर्म में निकालते हैं, वरना कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी इसके अंदर, तो 8 फैक्टोरियल को आप लिखोगे इस तरह 8 7 6 5 4 3 2 1, और इसको कैसे लिखोगे, 3 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, और एंड में बेचारा एक्स है उसकी पावर आप 8 कर दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, आप कैंसिल किस तरीके से करोगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना ये इनके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आप इस पूरे डिनोमिनेटर को इससे कैंसिल कर सकते हो, मतलब ये वाली चीज और जो ऊपर लिखा हुआ है जो जो कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 7 को 7 से कैंसिल कर दो, 5 को 5 से कैंसिल कर दो, 3 को 3 से कैंसिल कर दो, और कुछ कैंसिल हो रहा है 6 हो सकता है, ये 2 टाइम जाएगा, 3 2 6 3 3 9, अच्छा जी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यहां पे, तो अब क्या बचेगा आपके पास, ऊपर बचा 13 × 11, 13 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 130 143 आ रहा होगा, ठीक है, तो ऊपर यहां पे बचेगा 143 न्यूमरेटर में, ये जो पूरी चीज है ना 13 11, इस 3 को छोड़ दो फिलहाल, 9 7 5 3 बाकी तो कैंसिल हो गया, एक आएगा बाहर नेगेटिव, ठीक है, और 13 11 × 143 हो जाएगा, इस 3 को फिलहाल इग्नोर कर दो, नीचे वाले 2 का जरा देखते हैं इनका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 2 की पावर 8, तो सिंपल 2 की पावर 8 लिख दो। अच्छा ये 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर क्यूब, ये 2 क्या है, 2 की पावर 1,
मल्टीप्लाई होना ये हो जाएगा पावर जेड होगी, 2 की पावर क्यों 2 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 4। इसी तरह 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 6 और एक पावर ये है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 ठीक है, और एक ये 2 की पावर 8 है। दोबारा बताता हूं ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा 2 की पावर 8, ये पूरा डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 2 की पावर 7 और ये जो 2 की पावर 8 है यहां पे लिख दोगे, ये जो 3 है वो इस 3 की पावर 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9 और x 8 अपनी जगह पे रहेगा मतलब x की पावर 8। अब एक आखिरी स्टेप करो -143 ऊपर तो 3 की पावर 9 ही है नीचे आप क्या लिखो 8 7 15 15 18 सॉरी 15 और 8 23 ये हो जाएगा 2 की पावर 23 x की पावर 8 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन करोगे बुक में ये आंसर लिखा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी पावर है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बहुत लंबा लंबा आ जाएगा, सॉल्व कर लेना का शौक इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, वैसे सवाल आते नहीं है पेपर में लेकिन अगर आ जाए तो आपकी मर्जी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में जब आप निकालोगे शायद पॉइंट में आंसर ना आए, पॉइंट में आएगा फिर राउंड ऑफ करोगे उसको तो बेहतर है आप इस फॉर्म में रहने दो, यार मैं चलो निकालना भी चाह रहा हूं इतना इशू नहीं है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों मैंने आपको बताया इसी टाइप के बस उसमें वैल्यूज भी छोटी है तो आप सबसे पहली बात 8.5 में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जो कि आप लोग फिजिक्स में डेरिवेशन करते हुए भी यूज करते होंगे कि यार जब कोई क्वांटिटी छोटी होती है फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वांटिटी पॉइंट्स में है फॉर एग्जांपल 0.01 या 0.001 कुछ भी है तो जब आप उसका स्क्वायर करते हो या उसका क्यूब करते हो ना तो वो क्वांटिटी और छोटी हो जाती है तो उसका जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है कि यार उसको अगर आप इग्नोर भी कर दो ना तो आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर आपके पास 1000 रुपए हो और आपके पास 5 रुपए आए तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास 10 रुपए हो और 5 रुपए आए तो भाई वो फर्क पड़ेगा ठीक है। तो अगर कोई क्वांटिटी छोटी हो और हमने वही बात की भी है कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए मतलब 1 से कम या -1 और -1 के दरमियान हो तो तब जब आप उसका स्क्वायर करोगे क्यूब करोगे तो वो और छोटी होती जाएगी उसका इंपैक्ट और कम होता जाएगा। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इंपैक्ट फिर भी रहेगा ये देख लेना, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करने के लिए आप उसको हटा देते हो क्योंकि एक्चुअल वैल्यू मालूम करने के लिए आपको पता नहीं कितनी नंबर ऑफ टर्म लेनी पड़ेगी क्योंकि वैल्यू छोटी हो लेकिन इंपैक्ट तो होता ही है ना उसका, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए आसानी के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करने के लिए आप स्क्वायर्स को और जो क्यूब पावर है उनको निग्लेक्ट कर दो आप और आपका जो आंसर है वो आप आसानी से अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट आप मालूम कर सकते हो और डिफरेंट आप सवाल देखोगे जिसमें बड़े आसानी से आप कर लोगे। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन 1 है तो अब स्क्वायर्स या क्यूब पावर जो है उनको आप निग्लेक्ट कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। 8.5 आपने सॉल्व करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवाता हूं आप लोगों को। 1 में आपके पास लिखा हुआ है प्रूफ करना है आपको, क्या प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ये पूरी चीज बराबर है 1 माइनस 5 अपॉन 6 नियरली। नियरली का मतलब वही ना अप्रोक्सीमेटली आप कह लो कि मतलब इक्वल नहीं है एग्जैक्ट इक्वल नहीं है नियरली इक्वल है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ठीक है और वो आएगा इस तरीके से कि आप स्क्वायर और क्यूब को निग्लेक्ट कर दोगे इफेक्ट अभी भी रहेगा बहुत कम इफेक्ट है लेकिन इफेक्ट रहेगा फिर भी ठीक है। तो प्रूफ करने का तरीका ये होगा कि बच्चों आप लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लो उसी को आप सिंप्लीफाई करोगे ऑब्वियसली। तो पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा लेकिन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख रहा हूं इसको, रूट 1 प्लस एक्स को इस तरह लिख सकते हो 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन 2, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है और इसकी होल पावर क्या है इसकी होल पावर 1 अपॉन 3 है, ये जो स्क्वायर है ये अंदर लिखा हुआ था और ये जो क्यूब रूट है ये बाहर 1 अपॉन 3 आ गया। डिवीजन में क्या होगा 1 प्लस एक्स तो अपनी जगह पे इसमें तो कुछ नहीं है और इधर आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन 2। अब डायरेक्ट आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे इसके ऊपर तो बेहतर है, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं वरना एक स्टेप जाया हो जाएगा। 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे ना 1 अपॉन 3 से तो बच्चों आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 3, तो यहां पे हम 2 अपॉन 3 लिख देते हैं। तो अभी आपने कुछ भी नहीं किया बस हल्की फुल्की सिंप्लीफिकेशन की है अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, अब आप इस पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के काबिल हो तो मेंशन कर देना यार बाइनोमियल थ्योरम मैंने पहले भी बताया था गलती भी नहीं होगी आसानी से हो जाएगा, मेंशन कर देना भाई बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है 1 प्लस nx प्लस n n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर दैट्स इट। ये वाली टर्म जो है निग्लेक्ट कर दोगे आप
क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म है। लेकिन एहतियातन अगर बाइनोमियल थ्योरम आप मेंशन कर ही रहे हो तो एटलीस्ट तीन टर्म दिखा के तो मेंशन करो ना, लेकिन आपने स्क्वायर निगलेक्ट कर देना और साथ बता दोगे कि निगलेक्टिंग स्क्वायर एम क्यूब और जो भी है ना। सिंपल लैंग्वेज में आप लिख दो कि निगलेक्टिंग हायर पावर्स, हायर पावर्स में स्क्वायर क्यूब ये सब पावर आ जाती है। तो बहरहाल आप अप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। सबसे पहले लिखा हुआ वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन टू, बाइनोमियल अप्लाई करो सबसे पहले आएगा वन प्लस एन एक्स, एन है वन अपॉन टू और एक्स यहां पे एक्स ही है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में चलो इसी तरह लिख दो। तो ये पहली ब्रैकेट है, इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, वो मैं आगे मेंशन कर दूंगा। क्यों? इसकी जो बाइनोमियल की अगली टर्म है वो स्क्वायर वाली होती है, और ये पहले हमने बता दिया कि हमने नियरली इक्वल साबित करना है, एग्जैक्टली इक्वल साबित नहीं करना। तो जब नियरली इक्वल साबित करना है तो हम हायर पावर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि सवाल में मेंशन था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन वन, तो दैट्स व्हाई इसको आप निगलेक्ट कर दोगे। आगे मैं मेंशन कर दूंगा, पहले मैं लिख लेता हूं। इसी तरह इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा वन प्लस एन यहां पे क्या है टू अपॉन थ्री और एक्स यहां पे क्या है माइनस एक्स। अगेन हायर पावर जो है उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। नीचे आ जाओ, वन प्लस एक्स अपनी जगह पे है प्लस, अब इस पर अप्लाई करो ये हो जाएगा वन प्लस एन, इसको रहने दो, मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वैसी मैंने लगाई नहीं है यहां पे, और इसकी भी मैंने हायर पावर को निगलेक्ट कर दिया। तो आगे आप मेंशन कर दो ब्रैकेट में लिख दो कि निगलेक्टिंग हायर पावर्स, कि भाई हमने हायर पावर्स को निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये सिंपल केसेस आ गए। अब उसके बाद मजीद सिंप्लीफिकेशन करो, अब हो जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन टू। अब ये पहला क्वेश्चन है तभी मैंने इस तरह किया, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट दो टर्म ये जो मैं लिख रहा हूं ना डायरेक्ट इस तरह कर दिया करूंगा। इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा वन, टू अपॉन थ्री को माइनस एक्स से करो तो माइनस टू अपॉन थ्री एक्स। डिनोमिनेटर में क्या होगा वन प्लस एक्स अपनी जगह पे, और ये हो जाएगा वन प्लस एक्स अपॉन टू। अब बच्चों न्यूमिनेटर को जरा सिंप्लीफाई करना है और डिनोमिनेटर को भी करना है, वन प्लस वन न्यूमिनेटर में हो जाएगा टू एक्स अपॉन टू माइनस टू एक्स अपॉन थ्री, तो टू और थ्री एलसीएम क्या होता है सिक्स, तो एलसीएम ले लो आप सिक्स। अच्छा टू जो है वो थ्री टाइम जाता है सिक्स पे, तो थ्री को मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, ये हो जाएगा थ्री एक्स, और थ्री जो है वो सिक्स पे टू टाइम जाता है, टू को मल्टीप्लाई करो माइनस टू एक्स से, तो ये हो जाएगा माइनस फोर एक्स। कुछ भी नहीं किया, एक्स अपॉन टू और माइनस टू एक्स अपॉन थ्री, एलसीएम सिक्स आएगा और सिंप्लीफिकेशन करोगे वो चीज आएगी, कोई नया काम नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कुछ काम करना है, वन प्लस वन टू हो जाएगा, ठीक है, यहां पे x है यहां पे x अपॉन टू है, तो सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस एक्स, टू को x से मल्टीप्लाई करो टू एक्स, इसमें ऐड करो डिवाइड पे टू कर दो, और वन को मैंने आपस में ऐड किया था वो तो टू हो गया। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ऊपर टू है इनको सिंप्लीफाई करो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन सिक्स, माइनस एक्स अपॉन सिक्स। डिनोमिनेटर में क्या होगा टू अपनी जगह पे, इसको सॉल्व करो ये हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन टू। अब देखो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए ना आपको अगेन बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपने इसके बराबर प्रूफ करना है, यानी एक्स भी होगा शायद, हाँ एक्स भी होगा ना यहां पर। तो जब आपने इसके बराबर प्रूफ करना है तो आपको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनोमियल में भी किस फॉर्म में, इस फॉर्म में वन प्लस एक्स की फॉर्म में। तो आप क्या करो न्यूमिनेटर में टू कॉमन ले लो, मैं यहां पर आगे लिख देता हूं, आप टू कॉमन लो ऊपर, जब आप टू कॉमन लोगे पहले टर्म में वन बचेगा, मैंने वही बात बताई थी कि जब जबरदस्ती आप टू कॉमन लेते हो, अभी हमने डिस्कस किया ये 8.4 में, जब जबरदस्ती कोई चीज कॉमन लेते हो ना तो वो डिवाइड हो जाती है। अब इसके अंदर टू कॉमन नहीं आ रहा, मैं जबरदस्ती कॉमन ले रहा हूं, तो टू नीचे आप डिवाइड कर दो, तो जब टू नीचे डिवाइड वाला से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में जब दोबारा मल्टीप्लाई करोगे सेम वही चीज आ रही होगी, टू को वन से करो टू, टू को माइनस एक्स अपॉन 12 से करोगे टू वन जा टू, टू सिक्स जा 12, अगेन वही चीज आ रही होगी। इसी तरह नीचे भी वही काम करो, टू कॉमन लो वन प्लस थ्री एक्स अपॉन फोर आ जाएगा, तो जबरदस्ती का टू था और नीचे से मल्टीप्लाई के फोर हो जाएगा, टू से टू कैंसिल कर दो, एक तो ये बात, दूसरी बात जब आप सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन 12। नीचे वाली चीज को जब ऊपर लेकर आओगे, नीचे देखो उसकी पावर वन है, ऊपर जब आएगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों नेगेटिव हो जाएगी। अब इस पे तो कुछ नहीं करना, उस पे अगेन बाइनोमियल थ्योरम आपने अप्लाई करना है। किस तरीके से अप्लाई करोगे अगेन अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, जब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करोगे अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगी, लेकिन आपने हायर पावर को निगलेक्ट करना है, तो जस्ट शुरू की दो टर्म जो है वो कंसीडर करोगे स्क्वायर क्यूब वो सबको आप निगलेक्ट कर दोगे।
तो दो टर्म कंसीडर करो, क्या होगा सबसे पहले वन, फिर होता है एन एक्स, एन यहां पे क्या है बच्चों, एन यहां पे माइनस वन और एक्स यहां पे क्या है थ्री एक्स अपॉन फोर, दैट्स इट। दो टर्म ही लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी है, तो सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन ट्वेल्व, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री एक्स अपॉन फोर। पहला सवाल है, दैट्स व्हाई बेसिक स्टेप में लिख रहा हूं यार, देख लेना बोर्ड मेरा कम है तो ऑर्डर देख लेना, आप अपने पेपर में नीचे करना है, आगे सामने मैंने कुछ नहीं करना, उसके बाद काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मल्टीप्लाई करो, वन को वन से करो वन हो जाएगा, वन को माइनस थ्री एक्स अपॉन फोर से करो माइनस थ्री एक्स अपॉन फोर हो जाएगा। अच्छा, माइनस एक्स अपॉन ट्वेल्व को वन से करो माइनस एक्स अपॉन ट्वेल्व, और माइनस माइनस पॉजिटिव एक्स को थ्री एक्स से करो थ्री एक्स स्क्वायर, और 12 को 4 से करो 48। अगेन स्क्वायर वाली टर्म है, हमने पहले ही तय कर लिया था कि स्क्वायर क्यूब इन सबको हमें नेगलेक्ट करना है, तो आप इसको क्या कर दोगे नेगलेक्ट, चाहो तो नीचे लिख दो कि नेगलेक्ट दिस टर्म, दैट्स इट, नेगलेक्ट लिख दो पता, बाकी जो बची है उनको सिंप्लीफाई कर लो। तो ये तीन टर्म बची है, वन को तो अपनी जगह पे रहने दो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन ट्वेल्व। एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम आएगा 12, थ्री टाइम जाता है ये हो जाएगा 9x, ये तो वन टाइम ही जाएगा ये हो जाएगा x, तो सॉल्व करना ये हो जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 12, और 10x अपॉन 12 को सिंप्लीफाई करो 5, 2 5 10 2 6 12, तो सॉल्व करो ये हो जाएगा 1 माइनस 5x अपॉन 6, जो कि बराबर है आपकी राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो आपको सवाल में प्रूव करना था, ठीक है। तो ये बच्चों एक सवाल मैंने काफी डिटेल में बताया कि क्रम खोल खोल के आप लोगों को पूरा बताया है, अब नेक्स्ट टाइम जब ये सवाल आएगा तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्टेप मिस करके करवाऊंगा।